हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी हो। तो मेरे ऊपर नाम है नीलम राणा, स्वागत कर दूँ आपको अपने एक नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉग है शुरुआत होनी सुबह की 9 बजे और मेरा पहाड़ों की यूँ हसीन वादियों में मैं आई हूँ अभी फंगड़ा घास काटन। देखा 2-3 मुट्ठी घास केड़ेन अब एक बात ब्लॉगिंग है शुरुआत करूँ। ये पल्ली साइड से हमारो सटियाड़ो जबकि हमारे साथ टेबूती और वे के साथ साथ सोयाबीन दाल और बीच बीच में राडो बीच ये अपन तो थोड़ा अच्छा जख्या बीच और अपन तो काम से लेकिन बिड़ो आए साइड भयंकर ज़्यादा छे जख्या। मैं पता नहीं तो सो राडो छे कि जख्या छे मैं अंथाजो थो बोनू को। और बाकी स्वामी जी भी आया मेरा घड़ी घास काटन मतलब लियाने वो मैं काटो लो थोड़ा बहुत तुम ले जाला थोड़ा बहुत मैं ले जाओ। और ससुर जी छन घरे पर क्योंकि आज घर में बांदरों को आतंक मचायों को भयंकर परेशान करें बांदरों का। और ससुर जी बांदर हकोना क्योंकि बांदर नितर सिड़ा आम छिन खाना का ते वजह से ससुर जी अभी घर ही मछिन। और बाकी रात को वे बरखा भयंकर और अभी मौसम बदलियों छ मौसम आप लोगों तो एक बार मौसम दिखे दे मौसम देखा पूरा कोहरा लग्यूँ ये साइड भी देख सकते नहीं घाटी पर भी कोहरा लग्यूँ। और रात को भयंकर बरखा हुए तो घास जन घास करना तो मुठी पर इमिया चोणों को जन बोलिया कि पानी बोलो नाव बोलो अब बांदर इमिया कर दो जमिया ही छिनिया मकाना सबसे बड़े बांदर तो तुम्हें चिन्ह। और अब जल्दी जल्दी घास भी काट देंगे क्योंकि घाम तो नीचे लेकिन उमस बथेरी चौहनी आज और ते में पसीने भी चौनी शायद बरखा आ ली रात को या फिर शाम का टाइम क्योंकि बदली हुई मौसम तुम ता नहीं गड़ोन यार। और अब जल्दी जल्दी घास भी निपटे देनन ते का बाद ही काम हो लू ते का बाद घर जेकते देखना क्या क्या कर दें। 9 बजे तो खैर फंगड़े छिनोना का ता काम भी क्या निपटू। और ये साइड या कुनी वो हरू हरू जो छोटे छोटे दिखाण पर से पुनो काटो ते पर फिर से घास मोई गई भाई ये देखा। अब जल्दी जल्दी निपटू लो मैं भी तब से एक दिन मिल दाना आप लोगों से ठीक छे दगड़ियो ठीक छे। गए यहाँ पे श्रीमती जी काट रही हैं झंगोरा और ये है यहाँ पे जख्या का डाला। जख्या ये ना तुड़के के काम आता है। और ये देखो ये झंगोरा काट रहे हैं यहाँ पर ये सेड्डू हो रखा है यहाँ हमने इसके बाद दाल बोनी है। और अभी हमने उधर काटा ना उधर ज़्यादा घना हो गया था मतलब घोण हुई छो तक घना होने की वजह से वहाँ का झंगोरा छोटा छोटा था। और ये यहाँ पर पिछली बार हमारे सोयाबीन बो रखे थे पापा ने तो सोयाबीन की वजह से यहाँ खूब मेला है। मेला मतलब यहाँ पे खूब खरपतवार रहेंगे तो खूब उपजाऊ भूमि है इसलिए देखो झंगोरा लगभग ये हो रखा है तुम्हारा 3-3 फीट का झंगोरा। अब ये हम गाय के लिए ले जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पे बोएंगे दाल। और ये देखो ये जो सड्डा ये गाजर घास है ये विदेश से आई गई माना जाता है कि इसको ना अमेरिका वालों ने जानबूझ के भारत के खेतों में फेंका है। ये गाजर घास ये ना मतलब किसी काम के ना इसको गाय खाती है ना ये खरपतवार किसी काम उल्टा जब इसके ये फूल हैं और इसके बाद जब इस पर बीज आते हैं तो खेतों में फैल जाते हैं काफ़ी खरपतवार से बढ़कर है मतलब बहुत ही ज़्यादा वो किसी काम का नहीं ये उपजाऊ भूमि को भी ख़राब कर देता है। एक बार फिर आपका इंट्रोड्यूस करवाते हैं जख्या के पेड़ों से। ये है जख्या का पेड़ सड्डू पेड़ है ये। अरे उधर चारों ओर का मौसम देखो कैसा और यहाँ लोगों ने रेंस बो रखी है। और ये हमारा पुंगड़ा एक ये पुंगड़ा है ये हमारा दलाड़ा है और ये हमारा सटियाड़ा है। ये इसको दलाड़ा इसलिए क्योंकि इसमें ना दाल बोते हैं हम इसको दलाड़ा इसलिए बना रखा है क्योंकि ये मेरे पापा का मानना है कि चावल तो सस्ते होते लेकिन दाल बहुत महंगी होती तो इसलिए यहाँ पे पापा कहते हैं कि 24 से 25 किलो दाल हो जाती है अगर यहाँ पे खूब मेहनत की जाए। और इस मार्केट आंकलन के अनुसार मेरे पापा खेतों में बुआई करते हैं।
खड़े बोलती है झंगर में झंगरती है बराबर में। देखिए गाइस झंगर भी इसी के बराबर हो रखा है। तो दगड़ियों फाइनली आप लंच बनाने की तैयारी हो लगी और ये हम दाल रखी गैस में। अरे ये लाइट तो फोन चल गया यार और चौ फट गई थी सुपा पर रखे प्रेशर। अब जल्दी से पहले लंच बनाने की तैयारी कर दर। फाइनली मैंने गैस में भात भी रख दी लाइट तो चली गई तंते इंडक्शन में बनू उठो और भैर बरखा बेगी लगन लगन की जी चौक एकदम गीलू हुई और ये ना हमारा सगड़ा पर सब्जी और देखा इतका बाड़ी तोरी ये तो चचिंडा छिन बना वह हमारा एक तोरी वाला नहीं होते इतनी बड़ी लगी अरे तू ही छाने ये देखा अरे ये वो जानती शाम की सब्जी और ये छन सगड़ा पर भिंडी जो कि ये बार सब्जी बल खास भी नीचे लेकिन हवाई तोरी देखो पूरी हाथ सर यार तो यन सब्जी सगड़ा पर लग दे रहा नींद भाई हॉ लेट है अब मैं भात इंडेक्स में मरा के रेन हूँ फाइनली अब तो भात भी रख ली इंडक्शन में अब जल्दी लंच भी बनी थे रेडी हो जाऊँ तू अब भेड़ देखा बरखा बनी है साइड बिटी फिर से बरखा आएगी चौक पूरू गीलो आयो स्वामी जी का ना काम लैपटॉप पर सवेर बैठे में लैपटॉप में मांगा लोग आए इस प्रकार नहीं हो भाई हेलो गाइस मैं झगड़ा फेवड़े बना रहा हूँ लैपटॉप पर लग गया काम पर सवेर बैठे और मैं क्या बोल नींद पूरी इतनी मस्त लंच और टाइम भी पौने एक होगी और अब लंच बनल एक बार लंच लुंच कर लो एक बार रेस्ट टाइम बरखा बंद हुई जाल तो फिर फंगड़ा जोला घास कहें नहीं हुए दी आप तंदी आपके नू आ रहे हैं ना घास तो कम हो गई जो ऐसे अच्छे हैं तो चेक आते हैं ना ये देखा पंखा लगाई ये बरखा मारी तो गाइस अभी शाम की बज गई 5:30 और 5:30 बजे अभी निकले हम ससुर जी जाए ढाबा पर देखा और स्वामी जी उठोना आम भाजन जो कि ससुर जी भाजन चलोना का और ये आम हम उनका की ध्यान छन तो ते वजह से निकले यहाँ का और कुछ शायद अचार बनाना थे और जो आम फुटियाँ छन तो सो मतलब फुन साइड छन करना का क्योंकि फुटियाँ आम खराब हुए जाना ते वजह से और बाकी आप लोग देख सकते हैं फुटियाँ आम स्वामी जी छन खाना का और जो सही आम छन तो सुने कंडा पर छिंटे यहाँ का और आम भी बथेरा पकी गए और कुछ कुछ काचा भी छन और ससुर जी को कि छतरी भी चले गए छतरी छिन्नी गए यहाँ का जबकि हाथ नहीं पहुँचणों को ते साइट छतरी छिन निकल का अरे अब पेड़ लगाए या पेड़ पर बैठी जाना का और तब छिन निकल का आम और डाव बहुत ही फिसलन हुआ क्योंकि रात भरी और दिन भरी बरखा हुई ते वजह से डाव बहुत ही ज़्यादा फिसलन हुआ है अभी तो फिलहाल घाम आयु को आप लोग देखना वाला लेकिन तंजू डाव बहुत ही फिसलन हुआ भाई।